हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत ही हेल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बर्तन में मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसको अब गर्म होने के लिए रख देते हैं। और साइड में एक बाउल में मैंने थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, ये दूध जो है रूम टेम्परेचर पर ही है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर को डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये दूध जो है गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होने से क्या होगा, कस्टर्ड पाउडर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा और इसमें लम्स बन जाएंगे। तो चलिए अब दूध को देख लेते हैं। तो दूध उबलते हुए भी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो दूध को जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से उबालना है। तो दूध जो है वो अच्छी तरह से अब पक चुका है। तो इसमें अब हम 4 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। तो चीनी जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट और बॉईल कर लेंगे। दूध को अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं कस्टर्ड जो मिक्स हमने रखा हुआ था, अब इसको हिला करके अच्छी तरह से और इसको दूध में धीरे धीरे डालेंगे। कस्टर्ड मिक्सर को धीरे धीरे डालना है और दूसरे हाथ से करछी से दूध को हिलाते हुए जाना है। इसी प्रोसेस से ही कस्टर्ड मिक्सर को डालना है। अगर आप इसको इकट्ठा डाल देंगे तो जो कस्टर्ड है वो नीचे जाके जम जाएगा और इसमें गांठें बन जाएंगी। तो कस्टर्ड मिक्सर को डालने के बाद इसको अब 8 से 10 मिनट के लिए और अच्छे से दूध को उबाल लेना है। तो दूध उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ये देखिए करछी पर भी अच्छे से कोट कर रहा है। तो दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक बाउल में मैंने दूध को पलट लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक मैं फ्रूट्स को काट लेती हूँ। तो मैंने 2 केले, थोड़े से अंगूर और 1 अनार को छील के रख दिया है और 1 अनार के जो थोड़े डार्क दाने थे उसको मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। तो देखिए दूध जो है वो ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद और भी थिक हो गया है। तो इसमें मैं अब फ्रूट्स को डाल लूँगी। तो मैंने अनार डाल दिए हैं। कटे हुए केले डाल दूँगी अब मैं और कटे हुए अंगूर डाल दिए हैं। आपको जो पसंद हो आप उस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़े से अनार के दाने मैं ऊपर से और डाल देती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए 4 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है, ये कितना थिक हो गया है और कितना क्रीमी टेक्सचर का है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो 2 आइसक्रीम बॉल्स में मैंने इसको निकाल दिया है। तो अब इसे गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए काजू इस पर डाल दिए हैं और गार्निशिंग के लिए जो अनार के दाने रखे थे उसके ऊपर डाल दिए हैं। तो हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।